स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वा रहा हूं भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि भारतीय यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं यानी कि BIMR। तो यह यूनिवर्सिटी हमारे न्यू दिल्ली के दिल्ली NCR के अंदर है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले ताकि इस तरीके की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो इस वीडियो में होने वाला है कि आपको हर एक तरीके की जानकारी बताऊँगा कि आपके कोर्स की कितनी फीस रहेगी और कितना टाइम लगने वाला है, यानी कि सभी कोर्स के कितना मतलब जो भी स्ट्रीम वगैरह है सब पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे MBA। जो लोग यहाँ से MBA करना चाहते हैं, अदरवाइज MBA कर सकते हैं यानी ये मास्टर ऑफ बिजनेस, तो आप लोग यहाँ से MBA कर पाओगे। तो यहाँ पर MBA का कोर्स आपको लगभग 2 साल का मिलने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 2 साल का रहेगा और 2 साल के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 3,25,000 रुपये, यानी फर्स्ट ईयर में 3,25,000 रुपये वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छी बात आपके लिए बता दूँ कि यहाँ पर आपको 4 स्ट्रीम मिलने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर MBA के अंदर 4 स्ट्रीम मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। और यहाँ पर ये आपको बता दूँ 4 स्ट्रीम में आपको फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग, आपको यहाँ पर लगभग 4 ऑप्शन मिल जाता है बेस्ट एंड बेस्ट। अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BBA अदरवाइज बैचलर ऑफ बिजनेस है यानी कि BBA करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से BBA भी कर पाओगे। BBA एक आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स मिल जाता है और BBA लगभग आपका 3 साल का होने वाला है, यानी कि आपका BBA 3 साल का रहेगा और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपको यहां पर 3 साल का मिल जाता है। और 3 साल के अंदर जो फर्स्ट ईयर चार्ज रहेगा लगभग यहाँ पर 1,40,000 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यानी कि पर ईयर इसी तरीके से सेम चार्ज पे करना पड़ेगा BBA के अंदर। अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स मिल जाता है। जो लोग यहाँ से BBA और LLB, अगर आप लोग दोनों ही डिग्रियाँ एक साथ कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ से BBA और LLB दोनों ही डिग्री एक साथ कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये 5 साल की मिल जाती है और 5 साल के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 2,62,500 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर ईयर फाइव ईयर यानी 5 साल तक आपको सेम चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, तो सेम चार्ज आपको 5 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BCA करना चाहते हैं अदरवाइज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ से आप BCA भी कर पाओगे यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये कोर्स आपको 3 साल का मिल जाता है और 3 साल के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 1,40,000 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर वही सेम थर्ड ईयर यानी कि पर ईयर इसी तरीके से सेम चार्ज पे करना पड़ेगा। BCA का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स मिल जाता है और यहाँ पर ये 3 साल का कोर्स होता है, इसलिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके से सेम चार्ज आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर पाओगे। जो लोग मास्टर ऑफ लॉ यानी कि LLM, अगर आप लोग यहाँ से LLM करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से मास्टर ऑफ लॉ कर पाओगे। यहाँ पर लगभग 1 साल का कोर्स होता है और 1 साल के अंदर ही कम्प्लीट हो जाएगा आपका। जो लोग LLB करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ लॉ, आप यहां से अब LLB कर पाओगे। LLB आपको यहां पर 3 साल का मिल जाता है और 3 साल के अंदर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा लगभग 1,57,500 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर वही सेम थर्ड ईयर यानी कि पर ईयर आपको इसी तरीके से सेम चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहां से कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग PhD यानी कि मैनेजमेंट स्टूडियोज़, अगर आप लोग यहाँ से PhD मैनेजमेंट स्टूडियोज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये कोर्स 3 साल का मिल जाता है और 3 साल के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज पे करना पड़ेगा लगभग 52,500 रुपये, वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा वही सेम थर्ड ईयर यानी कि सेम चार्ज मिल जाता है आपको पर ईयर। इसी तरीके से अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस तरीके की जानकारी और भी यूनिवर्सिटी से मिलती रहे। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके यार दोस्तों को इस तरीके की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।